अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। 28वां रोज़ा है, गर्मी का मौसम है, धूप बहुत निकल चुकी है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें तैयार करते हैं, आलू मटर बनाते हैं, फांसे का जूस बनाते हैं, सर रोटी होगी, फ्रूट चाट होगी, ये हम सारी चीज़ें तैयार करेंगे, नमाज कुरान पढ़ेंगे। हमने प्याज काटे, प्याज काट के ग्राइंड किए, प्याज तैयार है। हमने मटर उबाले हैं, मटर उबाल गए हैं, अब मटर को सालन बनाएंगे। ये हमारे आलू हो गए, उबल गए हैं, अब हमने भुंगे में डाल दिए इसके अंदर। ये इसमें हमने प्याज डाला है, प्याज डाल के थोड़ा तेल डाल के इसको भूनने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। जी हमने इसमें मसाले डाल दिए हैं, मसाले डाल के फिर भून रहे हैं अच्छी तरह से। जब ये भून जाएगा इसमें आलू डालेंगे। हमने इससे मसाला भून गया, अब हम आलू डाला, आलू डाल के इसको अच्छी तरह भून के मटर डालेंगे। जी हमने इसमें मटन डाल दिया, मटन डाल के भून रहे हैं, भून के फिर इसमें पानी लगाएंगे। हमने आलू मटर अच्छी तरह भून दिया, भून के अपने पानी लगा दिया। पानी लगा के हमने इसमें थोड़ा गरम मसाला डाला, गरम मसाला डाल के फिर ये पकने के लिए रख देंगे। जी ये हमारा सालन तैयार हो गया है, मटर तैयार हो गया, बड़े मज़े का। हमने धनिया ऐड की है इसके अंदर, रोटी बनाई है, ये हमने रोटी बनाई है गर्म, मज़े की है। हम चीनी डालें, चीनी डाल के इसमें थोड़ा नमक डालेंगे। काली मिर्चें डालेंगे इसके अंदर, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये हमारी फ्रूट चाट तैयार है, ये हमारी फ्रूट चाट तैयार हो गई, बड़ी मज़े की है। फ्रूट चाट तैयार हो गई, बड़ी मज़े की है। ये पानी है, ये फालसा है, ये चीनी है, काला नमक है, चीनी में डालेंगे, चीज़ें ऐड करेंगे, मेरा हमारा फालसा जूस तैयार हो जाएगा। फालसा जूस तैयार हो गया, मज़े का लग रहा है, फालसे का जूस है, मतलब मज़े का है। ये हमने धनिया पुदीना अच्छी तरह धो के खुश करके इसमें चीज़ें ऐड करके वो जूस तैयार हो गया, धनिया पुदीना का मज़े का है। ये फालसे का जूस है, वो धनिया पुदीना का जूस है, ये आलू मटर है, ये फ्रूट चाट और खजूरें हैं। मैंने अब सारी चीज़ें तैयार कर ली है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।